मैं डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड चैनल से एक बार फिर नए वीडियो के साथ और नए पौधे की जानकारी देने के लिए, और इस वीडियो में हम आपको ये देखिए एक नए पौधे की जानकारी देने जा रहे हैं। इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव करेक्टर और इसके साथ साथ इसका इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है। आम तौर पर ये पौधा आपको देखने को मिल ही जाता है सड़कों के किनारे, रोड साइड में, नहर या बम्बे के किनारे, ग्राउंड्स में ये देखने को अक्सर कर मिलता है। ये पौधा कोएग्जिस्टेंस में उगा है। इसके नीचे दूब घास साइनोडोन और उसके बीच में ये देखिए मोथा का पौधा और खट्टी बूटी का पौधा भी है, और पास में ये देखिए मूंग का खेत है, लहराती हुई फसल, ये दूर का नज़ारा है। कोएग्जिस्टेंस में ये पौधा उगा है और इसको दूधी के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि इसमें अगर इसके स्टेम को हम तोड़ें तो उसमें मिल्की लेटेक्स निकलता है। ये देखिए जैसे ही हम तोड़ेंगे इसको, इसमें सफ़ेद रंग का ये देखिए मिल्क निकल आया, तो इसको दूधी कहते हैं। ये देखिए वाइट मिल्क निकल आया इसमें, ये देखिए पास से दिखा रहे हैं, और इसमें जो पत्तियां हैं सिंपल होती हैं और अपोजिट क्रम में अरेंज रहती हैं। अपोजिट क्या है, आमने सामने स्थित होती हैं, और पत्तियों के ऊपर ये पिंक कलर के स्पॉट्स भी हैं, और स्टेम जो इसका है वो इरेक्ट है, सीधा सा, कभी कभी प्रोस्टेट कंडीशन में भी मिलता है, और हेयरी है उसमें। ये देखिए स्टेम में हेयर्स होते हैं, ये देखिए, और लीफ का जो मार्जिन है वो सीरेटेड है, यानी हल्का, उसके ऊपर ये देखिए दराती के दांत जैसे दांत हैं, तो सीरेटेड मार्जिन और रेटिकुलेट वेनेशन। एनुअल हर्ब है, सॉफ्ट है, ब्रांच स्टेम, और इसका कुल यूफोर्बियेसी है, और वानस्पतिक भाषा में इसको यूफोर्बिया हेरटा कहते हैं। अक्सर कर इसको प्रैक्टिकल मटेरियल के रूप में लैब में स्टूडेंट इसका यूज़ करते हैं, यूफोर्बिया हेरटा का। इसके में साइथियम इन्फ्लोरिसेंस होता है, जिसमें एक फीमेल फ्लोवर अनेक मेल फ्लोवर्स के द्वारा घिरा रहता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।